चलिए तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश सर यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक की सीरीज़, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था हाउ कैन वी डिटरमाइन द प्राइस लेवल एंड इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आप लोग को पढ़ा दिया था। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को बाकी क्लासेस की जानकारी मिल जाएंगी, जिसके अंदर मैंने प्रीवियस क्लासेस की सारी लिंक्स डाल दी हैं, तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। चलिए, तो मैंने आप लोगों को प्राइस डिटरमाइन करना सिखाया था, कैसे किसी गुड्स का या सर्विस का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे मान लो नेशनल इनकम हम लोग निकाल रहे हैं, तो बच्चों नेशनल इनकम जो है किसका पार्ट हो जाएगा आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मान लो आप जीडीपी निकाल रहे हो, तो जीडीपी किसका पार्ट हो जाएगा आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। अच्छा, ये दूसरी बात है अभी कि नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, बट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम इकोनॉमी को एज अ होल बड़े स्तर पे जब उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। चलिए एक परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विद हाउ द ओवरऑल इकोनॉमी वर्क्स, की पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो कैसे काम कर रही है। इट स्टडीज सच थिंग्स एज एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जब हम बेरोजगारी के बारे में बात करें, जीडीपी के बारे में बात करेंगे, इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जब बात करते हैं, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये आपको हमेशा न्यूज़ में देखने को मिलेंगी, जैसे गवर्नमेंट के डिबेट्स होते हैं। इट इज़ बेसिकली ऑन दिस काइंड ऑफ और दिस स्टफ थिंग्स। उसके बाद में इट स्टडीज़ द इकोनॉमी एज अ होल, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एंड इट्स फीचर्स लाइक नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारे के सारे बच्चों हम लोगों क्या करना है, पढ़ना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक की एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि हम इंडिविजुअल यूनिट्स का क्या कर सकें, अध्ययन कर सकें। और वहीं पे जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमी को हम एज ए होल लेते हैं। एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताता हूँ इमेज के माध्यम से। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक क्या है कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं, जब हम उनका अध्ययन कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल का अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी और मेरी पर कैपिटल इनकम की बात चल रही है, तो ये किसमें आ जाएगा, आप लोगों के माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। लेकिन पूरी की पूरी इकोनॉमी या पूरी की पूरी दुनिया का जब हम अध्ययन करने लग जाते हैं तो क्या कहलाता है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि माइक्रो लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, पहले एक पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं, उसको चेक करते हैं, जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में लाते हैं और सैम्पली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो इंडियन इकोनॉमी का हम लोगों को पढ़ना है, और इकोनॉमी को एज अ होल जब हम लोग स्टडी करेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट कहलाता है। थ्री मार्कर में अगर आ जाए तो ये परिभाषाएँ आप लिख के आ सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं जो लेके आऊँगा लेके आऊंगा कि अदर ब्रांचेस जो है इकोनॉमिक्स की वो कौन कौन सी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। प्लेलिस्ट में पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट से फॉलो करते चलें, रोजाना वीडियो मिल रहे हैं आप लोगों को, उम्मीद है पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।